नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सरसाई ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। आज खास दिन है। सबसे पहले मैं आपको दिखला देता हूँ, दूर दराज से जो भी सिख संगत हो या फिर तमाम लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, मत्था टेकने के लिए। लेकिन सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रबंधक कमेटी की एक अहम बैठक हो रही है। जिस तरह कोर्ट ने एक आदेश जारी कर कहा गया था कि हर हाल में 15 सितंबर को प्रबंधक कमेटी के जो समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ में एक बैठक करना है। और बैठक में जब देखा जाता है तो चुनाव, क्योंकि जब चुनाव जब होता है तो फिर नए कार्यकारिणी की गठन होती है। लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो काफ़ी लंबे अरसे से चुनाव को टाला गया है। और ख़ास बात है कि आज इस बैठक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ कि इस बैठक के लिए खास है कि चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी हो, पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंटू के SDPO डॉक्टर गौरव कुमार हो, स्थानीय थाना हो, या वहाँ के जो दूर से जो थाना जो है वो तमाम दलबल के साथ यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ की स्थिति से मैं आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ कि इस बैठक में ना ही किसी मीडिया को प्रवेश कर सकते हैं और ना ही किसी तरह का फोटो। लेकिन मैं आपको इस ग्राउंड लेवल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर भी प्रशासन के हैं और चप्पे चप्पे पर आप कह सकते हैं कि एक पैनी नज़र है। सुरक्षा की दृष्टि देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक को किसी तरह का कोई ही नहीं करना चाहता, क्योंकि कोर्ट का जिस तरह का जो आदेश हुआ है उस आदेश का पालन कर रहे हैं। और यहाँ देखिएगा तो रोका टोकी किसी भी यहाँ पर जो भी चाहे वो सिख संगत हो या किसी यहाँ का जो सदस्य, उनको भी ऊपर जाना सख्त से सख्त मना है यहाँ। और ठीक ऊपर वाला स्थिति देखिएगा तो ऊपर जाने का जो खास करके जो मीडिया है, मीडिया को भी अलाउ नहीं है। सख्त सुरक्षा, जब खास मुख्य मुद्दा होता है कि सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद यहाँ पर देखिए तो ये तमाम लोग हैं ऊपर से पर्चे देकर जाना चाहते हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो। ये तमाम लोग एक इस अहम बैठक का हर हाल में आप कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए सक्षम कर रहे हैं।